हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 3600 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कहा क्या रहा है कि यहाँ कह रहा है कि एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करिए जिसको यदि मल्टीप्लाई कर दे 3600 में तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वह एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। और यदि वो परफेक्ट क्यूब हो जाता है तो आपको फाइंड करना है उस प्रोडक्ट का क्यूब रूट भी। ओके, तो व्हाट इज द वे, कैसे पता करेंगे कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है? ये पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो हमने यहाँ फैक्टराइज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स है उनका ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का बन रहा है एक, ठीक है, 2 का एक ट्रिपलेट, लेकिन उसके बाद किसी का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा। तो यदि किसी का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा तो आपको बस ये सोचना है कि अब ट्रिपलेट बनाने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है उसमें कितनी बार किस प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको अलग लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्लियरली 3600 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सबका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा। तो यहाँ लिखा हुआ है इट्स फैक्टर्स डू नॉट फॉर्म ट्रिपलेट्स, सो टू मेक 3600 अ परफेक्ट क्यूब, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 में बाय मिसिंग फैक्टर्स, मतलब जितने फैक्टर्स का मिसिंग है जिससे कि मतलब ट्रिपलेट बन जाए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 का ट्रिपलेट बनाना हो तो मिनिमम नंबर्स कितने मल्टीप्लाई करेंगे, केवल 5 से करेंगे। और यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट बनाना है तो केवल हम 3 से करेंगे। इसका मतलब कि ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई किया गया है 2 × 2 × 5 × 3, ये जो नंबर्स हैं यही इसको बना देंगे परफेक्ट क्यूब। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज, हम लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर इज रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 2 × 2 × 5 × 3। आपको यही नंबर लेना होगा। ठीक है, मतलब कि 2 का यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा तो हम दो बार यदि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे बन जाएगा, और ये 5 को यदि एक बार करेंगे और 3 को एक बार तो सबका ट्रिपलेट बन जाएगा। और डेफिनेटली इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो नंबर होगी वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगी इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि सबका जो है ट्रिपलेट बन रहा होगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, मीन्स 60 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज योर आंसर, 60 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इफ यू मल्टीप्लाई 60 to 3600 इट विल मेक 3600 अ परफेक्ट क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्यूब रूट भी निकालना है। तो लेट अस फाइंड आउट दैट। ओके, नाउ हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट कर लिया तो मिला हमें 2,16,000, और ये जो है एक परफेक्ट क्यूब है। तो हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है कि किस नंबर का ये परफेक्ट क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे अगेन। तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली फैक्टराइज करने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है। हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे इसके फैक्टर्स। तो सिंस हम लिख सकते हैं कि 2,16,000 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 3600 मल्टीप्लाइड बाई 60। देखिए 3600 का फैक्टराइजेशन हमने किया था ऊपर, तो उसको एज इट इज उतार लेंगे, 2 × 2 × 5 × 5 × 3, यही था फैक्टर्स। और 60 जो फैक्टर्स अभी मल्टीप्लाई किया हमने तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या मिल जाएगा, 2 × 2 × 5 × 3। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं तो मिल जाएगा हमें 2 × 2 × 2 × 2, और 2 के साथ जो है इन दोनों को रख लीजिए, 5 के साथ इसको रख लेते हैं, 3 के साथ जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे 2 3 था,
हाँ यहाँ पे एक छूट गया था, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक है, ये दो को मिला करके। अब यहाँ पर यदि हम फैक्टर्स को वो करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, देखिए बन जा रहा है बिल्कुल, ये बना और ये बना और ये बना। सो हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं क्यूब रूट, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्यूब रूट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सो क्यूब रूट ऑफ 216000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216000 ओके। तो यहां पर हम फैक्टर्स को लिख लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रिपलेट यदि बन गया है तो क्यूब रूट से बाहर हम उन्हीं को निकाल सकते हैं जिनका ट्रिपलेट बना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 निकलेगा, यहाँ 2 निकलेगा, 5 3 मीन्स 2 × 2 × 5 × 3, तो क्या मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, मीन्स 60 इज योर क्यूब रूट। ओके, तो 60 क्या है, ये क्यूब रूट है इसका, और यही नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे 3600 में, जिससे कि 3600 क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, यदि समझ गए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ओके, और एक कमेंट यदि आप लिखते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।